वेलकम टू द पोल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सिलोटम। सबसे पहले है सिलोटम की अकरंस के पाए कहाँ जाते हैं। सिलोटम जो है वह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी ये गर्म इलाकों में पाए जाते हैं और ये एपिफाइट के तौर पे ग्रो होते हैं। एपिफाइट क्या होता है? तो एपिफाइट का मतलब है कि एक प्लांट का दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करना। जैसे फर्न्स जो है वो किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करती हैं, तो इस तरह की अरेंजमेंट को कहते हैं एपिफाइट्स। तो सिलोटम जो है ये एपिफाइट्स के तौर पे ग्रो करते हैं। इसके अलावा सिलोटम जो है वो उस सॉइल पर ग्रो करते हैं जहाँ पे ह्यूमस जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। अब ह्यूमस क्या है? तो प्लांट्स का वो पार्ट जो सॉइल पर गिर जाता है, यानी प्लांट के लीव्स जो हैं, या वो प्लांट जो डेड हो जाता है, तो उस प्लांट की ब्रेकडाउन हो जाती है और बन जाता है ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो सिलोटम जो है वो उस एरिया में ज़्यादा ग्रो होते हैं, उस सॉइल पे ज़्यादा ग्रो होते हैं जहाँ पे ह्यूमस जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। उसके बाद है सिलोटम का जनरल स्ट्रक्चर। तो प्लांट बॉडी सिलोटम की स्पोरोफाइट होती है। इस प्लांट को स्मॉल श्रब भी कहा जाता है, यानी ये छोटी झाड़ियों की तरह का प्लांट होता है। अब इसकी प्लांट बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट होती है 3 पार्ट में, राइजोम, स्पोरेंजिया एंड एरियल ब्रांचेस। तो इनको भी हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास राइजोम। तो राइजोम होता है अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम। स्टेम का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर होता है उसे राइजोम कहते हैं। राइजोम के ऊपर लीव्स और रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, जबकि राइजोम के ऊपर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। उसके बाद है एरियल ब्रांचेस। तो एरियल नाम से ही जाहिर है कि प्लांट का वो हिस्सा जो हवा में होता है, सॉइल से बाहर होता है, उसको एरियल पार्ट कहते हैं। तो एरियल ब्रांचेस जो है वो राइजोम से निकलती हैं और ये एरियल ब्रांचेस जो हैं वो बेसमेंट से ग्रीन और सिलेंड्रिकल होती हैं। अब इन ब्रांचेस की जो अरेंजमेंट होती है वो डाइकोटोमसली अरेंजमेंट होती है, यानी हर ब्रांच से 2 फर्दर ब्रांचेस जो हैं वो डिवेलप होती हैं और यही मैनर जो है वो ब्रांच के अंदर रिपीटेड रहता है। लीव्स जो हैं वो एरियल ब्रांचेस पर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम प्रॉपर लीव्स की बात नहीं कर रहे हैं, स्केल लाइक लीव्स होते हैं, स्मॉल नोकीले लीव्स होते हैं जो कि एरियल ब्रांचेस के ऊपर पाए जाते हैं। उन लीव्स को कहते हैं लिग्यूल। अब ये जो है ब्रांचेस के ऊपर इररेगुलरली स्कैटर्ड होते हैं, यानी ब्रांच के ऊपर फैले हुए होते हैं। तो ये है सिलोटम का स्पोरोफाइट प्लांट, ये है इसका राइजोम यानी अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम। राइजोम से निकलती हैं एरियल ब्रांचेस और एरियल ब्रांचेस के अंदर डाइकोटोमसली अरेंजमेंट पाई जाती है, यानी हर ब्रांच से फर्दर 2 ब्रांचेस जो हैं वो अराइज होती हैं और एरियल ब्रांचेस के ऊपर लीफ जो हैं वो स्केल लाइक लीव्स मौजूद होते हैं और ये इररेगुलरली स्कैटर्ड होते हैं। ये देखें हर जगह ये फैले हुए हैं और इनको कहते हैं लिग्यूल। इसके अलावा एरियल ब्रांचेस के ऊपर जो है वो स्पोरेंजिया होते हैं और स्पोरेंजिया जो है वो ट्राइड की फॉर्म में होते हैं, यानी 3-3 का पेयर होता है। तो इस पेयर को कहते हैं साइनेंजियम। साइनेंजियम का बहुत ही स्मॉल सा स्टॉक होता है जिसके साथ ये एरियल ब्रांच के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब या तो ये नज़र ही नहीं आता, इतना ये स्मॉल साइज का स्टॉक होता है। उसके बाद है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलोटम। तो सिलोटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एरियल ब्रांचेस का हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, राइजोम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे और लीव्स का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एरियल ब्रांचेस। तो एरियल ब्रांचेस में सेंट्रल स्टील और आउटर कॉर्टेक्स जो है वो पाया जाता है। तो हम सेंट्रल स्टील एंड आउटर कॉर्टेक्स को बारी बारी स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास आउटर कॉर्टेक्स। तो आउटर कॉर्टेक्स जो है वो एपिडर्मिस की सिंगल लेयर से कवर होता है। इस एपिडर्मिस के ऊपर जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स की जो सबसे इनर पार्ट होता है वो पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है। पैरेन्काइमा सेल्स का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है, यानी पैरेन्काइमा सेल्स के ऊपर कुछ लेयर्स हैं वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की होती हैं। इसके अलावा कॉर्टेक्स का जो आउटरमोस्ट पार्ट है उसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स का कौन सा आउटरमोस्ट पार्ट? जो कि एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन होता है। कैम्बियम जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद नहीं होती। उसके बाद है स्टील। तो स्टील जो है वो वेल डिवेलप्ड स्टील होती है और स्टील और कॉर्टेक्स के दरमियान जो है वो एंडोडर्मिस पाया जाता है। जाइलम जो है वो एक्टिनोस्टीलिक होता है और इसमें स्टील की 6 रेज जो है वो पाई जाती हैं। पिथ जो है वो जाइलम के सेंटर में प्रेजेंट होती है
और फ्लोएम जो है वो एंडोडर्मिस और जाइलम के दरमियान में मौजूद होती है। तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एरियल ब्रांचेस। तो सबसे ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट है और बाकी पोर्शन क्या है, ब्राउन कलर का कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का जो इनर मोस्ट पार्ट है वो है पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ। पैरेन्काइमा सेल्स के ऊपर कुछ लेयर्स हैं सेक्रेन्काइमा सेल्स की, और कॉर्टेक्स का सबसे आउटर पोर्शन जो कि एपिडर्मिस के नीचे है उसके अंदर बहुत से क्लोरोप्लास्ट हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद है स्टील। तो स्टील में शामिल है जाइलम, फ्लोएम, पिथ और एंडोडर्मिस। तो एरियल ब्रांचेस के अंदर जो है वो वेल डिवेल्प एंडोडर्मिस जो है वो पाया जाता है। एंडोडर्मिस जो है वो स्टील और कॉर्टेक्स के दरमियान में मौजूद होता है। सेंटर में पिथ प्रेजेंट है। पिथ के इर्द गिर्द जो है वो जाइलम प्रेजेंट है और जाइलम के अराउंड जो है वो फ्लोएम प्रेजेंट है। यानी फ्लोएम को हम एंडोडर्मिस और जाइलम के दरमियान में कह सकते हैं। उसके बाद है राइजोम का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो राइजोम का स्ट्रक्चर भी एरियल ब्रांचेस की तरह ही सिमिलर है, लेकिन राइजोम के अंदर पिथ जो है वो प्रेजेंट नहीं है। राइजोम के अंदर जो फ्लोएम है वो पोअरली डिवेलप्ड होता है, यानी प्रॉपर फ्लोएम जो है उसके अंदर मौजूद नहीं होता। इसके अलावा राइजोम में माइकोराइजल फंगस जो है वो पाई जाती है। माइकोराइजल फंगस जो है वो क्या करती है, ये फूड प्रोवाइड करती है और बदले में ये प्लांट से प्रोटेक्शन लेती है। लोअर एपिडर्मिस के अंदर राइजोइड्स जो है वो पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास है राइजोम का स्ट्रक्चर। तो सबसे आउटर लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो है वो कॉर्टेक्स है और कॉर्टेक्स से कुछ सेल्स के अंदर माइकोराइजल फंगस जो है वो पाई जाती है। तो माइकोराइजल फंगस का काम क्या होता है कि ये जो है फूड प्रोवाइड करती है प्लांट को और बदले में जो है वो रिहाइश लेती है प्लांट से, यानी प्रोटेक्शन लेती है। इसके अलावा इसमें जो है पिथ प्रेजेंट नहीं है, फ्लोएम प्रेजेंट है और फ्लोएम भी जो है वेल डिवेल्प नहीं मौजूद और जाइलम मौजूद है। तो ये है जनरल सा स्ट्रक्चर राइजोम का। उसके बाद है लीफ। तो यहाँ पे प्रॉपर लीव्स की बात नहीं हो रही है। सिरोटम के अंदर जो है वो स्केल लाइक स्मॉल लीव्स होते हैं जिनको लिग्यूल कहते हैं। तो उन लिग्यूल की एपिडर्मिस के अंदर कोई स्टोमेटा जो है वो मौजूद नहीं होता। इसी तरह इन लीव्स के अंदर कोई वेन भी मौजूद नहीं होती। उसके बाद है सिरोटम की रिप्रोडक्शन। तो सिलोटम के अंदर दो तरह से रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट से, यानी राइजोम का कोई पार्ट जो ओल्डर होता है उसकी डेथ हो जाती है तो उस पार्ट से जो है वो न्यू प्लांट डिवेलप हो जाता है इंडिपेंडेंटली, तो इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके अलावा जो यंगर पार्ट्स होते हैं राइजोम के वो इस डेड राइजोम से सेपरेट हो जाते हैं और वो भी ग्रो करके इंडिपेंडेंट प्लांट जो है वो बना देते हैं। राइजोम भी डिवेलप होते हैं राइजोइड्स, और राइजोइड्स जो हैं जब सेपरेट हो जाते हैं ओल्डर पार्ट ऑफ द राइजोम से तो उनके जो अपर सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल गैमी। अब गैमी जो है ये न्यू राइजोम डिवेलप करते हैं आफ्टर डिटैचमेंट, यानी जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो ये डिवेलप करते हैं न्यू राइजोम। उसके बाद है स्पोरेंजिया। तो सिलोटम जो है वो होमोस्पोरस होता है, यानी सिलोटम के अंदर जो है वो एक ही किस्म के स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजिया जो है वो ट्राइड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, यानी तीन स्पोरेंजिया का एक ग्रुप होता है जो कि अटैच होता है एरियल ब्रांचेस पर। स्पोरेंजिया के ग्रुप को कलेक्टिवली हम साइनेंजियम कहते हैं, जैसे आपको मैंने पहले स्टार्टिंग पे बताया। तो साइनेंजियम जो है इज ए स्पोरेंजियोफोर, यानी साइनेंजियम कहलाता है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर जो है वो डायकोटोमस मैनर में डिवाइड करता है, यानी स्पोरेंजियोफोर जो है वो पहले दो पार्ट में डिवाइड करता है और उसका एक पार्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जो दूसरा पार्ट होता है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करता है। इस तरह ये तीनों पार्ट जो है वो क्लोजली यूनाइट हो जाते हैं और तीन स्पोरेंजिया बनाते हैं। उसके बाद है डिवेलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। कि स्पोरेंजिया की डिवेलपमेंट जो है वो किस तरह होती है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स जो है वो किस तरह डिवेलप होते हैं। तो स्पोरेंजिया जो है उसकी डिवेलपमेंट एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से स्टार्ट होती है। इस सिंगल सुपरफिशियल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होती है और दो पार्ट बन जाते हैं, एक आउटर जैकेट इनिशियल पार्ट होता है और इनर आर्चिस्पोरियल इनिशियल पार्ट होता है। अब जो जैकेट इनिशियल पार्ट है इसमें फर्दर मैनी डिवीजंस होती हैं और 5 to 6 सेल्स की एक वॉल बन जाती है,
और जो आर्चिस्पोरियल इनिशियल होता है उसे डिवेलप हो जाता है मैस ऑफ आर्चिस्पोरियल सेल्स। मैस ऑफ आर्चिस्पोरियल सेल्स में फर्दर जो है वो चेंजेस आती हैं और स्पोर मदर सेल्स बन जाते हैं, और स्पोर मदर सेल्स के अंदर जो फ्लूड होता है उस फ्लूड को कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मैस या फिर टेप्टल फ्लूड। हर स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होती है और चार चार स्पोर्स जो है वो डिवेल्प हो जाते हैं। तो हर मदर सेल्स के अंदर चार चार स्पोर्स जो है वो मियोसिस के जरिए डिवेल्प हो गए हैं और जो फ्लूड है उसे टेप्टल फ्लूड कहते हैं और आउटर है हमारे पास वॉल। स्पोरेंजिया जो है वो डेजिगेट कर जाता है यानी ड्राई आउट हो जाता है और इसकी वॉल जो है वो रप्चर कर जाती हैं और स्पोर्स जो है वो लिब्रेट कर जाते हैं, स्पोरेंजिया से बाहर निकल जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सिलोडर्म के बारे में। इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे।